हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, अगेन मेरा एक पार्सल आया है। ये कल का वीडियो है, बट मैंने कल इसको अपने व्लॉग में नहीं ऐड किया था, तो ये मैं आज आपको दूसरे व्लॉग में दिखा रही हूँ। मैंने अपने चैनल के लिए कुछ मंगाया है, अपने वीडियोज़ बनाने के लिए कुछ मंगाया है। तो ये है मेरा नया ट्राईपॉड। जी हाँ, ये मेरा नया ट्राईपॉड है। और पहले वाला जो ट्राईपॉड था वो मेरा बिल्कुल टूट चुका है, तीन जगह से टूट गया था। जैसे तैसे मैं उसको जोड़ जोड़ के चला रही थी, पर वो अब गणेश पूजा जब थी, मतलब जब गणपति चल रहे थे, उसी टाइम वो बिल्कुल ही टूट गया था। तो मैं यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मंगाया था, तो उसको ही उनसे ही पूछ करके मैंने ये ट्राईपॉड ऑर्डर किया है। और देखिए कितना अच्छा बैग है ये, तो आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैरी करके ले भी जा सकते हैं। और ये जब आप ओपन करते हैं तो ये देखिए कुछ पॉलीथिन में ऐसे रैप है, और इसमें लिखा हुआ है अमेज़ॉन बेसिक, मतलब कि ये अमेज़ॉन बेसिक ब्रांड कुछ होगा उनका, जो उसी का है। तो चलिए आप अनबॉक्सिंग एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, जस्ट अभी मैंने इसको रिसीव किया है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी और इसका कैसा रिव्यू है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। छोड़ने वाली थी यूट्यूब चैनल में, बात कर रही थी छोड़ने की, और मैंने मंगा लिया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक नया गियर। तो ये देखिए, और काफ़ी अच्छा है। मैंने इसके ऊपर का हेड जो है मोल्ड, वो मैंने अलग से मंगाया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। वो ऊपर टीवी केस के ऊपर रखा हुआ है, वो वैसे ही है जो मेरा हैंड वाला ट्राईपॉड है उसके ऊपर जो लगता है, सेम वैसे ही है। क्योंकि इसके साथ ऊपर का वो नहीं है, हेड नहीं है जिसपे कि फोर आप सेट करते हैं, वो नहीं है। और ये बैग भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपना इसमें ट्राईपॉड रख के और बैग टांग के भी जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है, ये कितने का पड़ा था? 799 शायद, हाँ 750 के आसपास का था ये, तो काफ़ी अच्छा है। वो उठा दीजिए ज़रा उसका, ये देखिए, ये मैंने अलग से इसको मोल्ड, क्या बोलते हैं, मतलब फ़ोन फंसाने के लिए जो ये होता है, इसमें आप ऐसे फ़ोन घसीट के लगा देंगे, तो ये वाला बहुत अच्छा है। जो पहले वाला जो मेरा ट्राईपॉड था वो बिल्कुल टूट चुका है, तो अब मुझे नया मंगाना ही पड़ा है इसे। और अब मैं इसको आपको सेट करके दिखाती हूँ, खोल करके ट्राईपॉड को ओपन करके। ये मैंने पूरा हाइट करके आपको दिखाया है, काफ़ी ऊंचा है और 50 इंच उस पर लिखा हुआ था। अब ये यूज़ करने पर और अच्छा पता चलेगा। और मैंने इसके ऊपर का ये लगा दिया है, ये जो काफ़ी अच्छा है, स्टडी सा है, हिल भी नहीं रहा है, बढ़िया है। मैंने सेट कर दिया है अपने नए ट्राईपॉड के ऊपर अपना फ़ोन, और पीहू भी खड़ी हो गई अपनी चेयर पे। तो देखिए इतना ऊंचा है, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मुझे ये थोड़ा अभी भी छोटा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी इसको यूज़ करने वाली हूँ अच्छे से। मैंने अभी इसको नया ट्राईपॉड मंगा लिया है, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अब शूट करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। पहले जो मैंने आपको दिखाया था कि ये छोटा लग रहा है, वो इसलिए था क्योंकि ये मैंने ऊपर नहीं किया था। जब मैंने इसको ऊपर किया तो ये हाँ काफ़ी ऊंचा है, 50 इंच इसमें लिखा हुआ है, तो ये है काफ़ी ऊंचा है, अच्छा है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अब दूसरा दिन शुरू हो गया है। मैंने कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे लंच में खिचड़ी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और पीहू की भी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक से कल मुझे पता नहीं क्या हो गया, सर्दी जुखाम हल्की सी तो थी ही, फिर मुझे फ़ीवर भी आ गया, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस अब पीहू और मैं ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ी सी खिचड़ी डाल देते हैं हींग और जीरे से छौंक करके। तो वही मैं बनाने के लिए हींग जीरा निकाली हूँ, और तेल गरम करके मैंने इसमें डाल दिया है। दाल चावल मैंने एक घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, तो बस वो मैं इसमें डालूँगी और फिर इसमें 2 से 3 सीटी लगा दूँगी। वैसे तो एक सीटी में बन जाती है खिचड़ी, मगर पीहू को थोड़ी सी गली हुई खिचड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये इसमें सब कुछ डाल करके सीटी लगा दूँगी, और यही आज का हमारा खाना होगा, खिचड़ी ही आज हमारा खाना है। तो बस यही है, और माएँ चाहे जितना भी बीमार हो जाए, उन्हें बीमार होने का भी हक नहीं है। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था खाना बनाने का, लेकिन क्या करूं,
माँ हूँ तो खाना बनाना ही है, और माँ को तो कभी छुट्टी भी नहीं है, तो बस आज यही है। और बस फिर अब सीटी आ चुकी है, चलिए फिर हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। हम लोग लंच किए हैं, थोड़ा बहुत ही खिचड़ी खाए जो बनाए थे, तो तबीयत ना पीहू की ठीक है ना मेरी ठीक है, तो बस अभी हम दोनों ही जा रहे हैं रेस्ट करने। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मतलब जैसे फीवर में होता है वही हाल है, और हम लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए पीहू को भी सुलाती हूँ और फिर मैं भी सो जाती हूँ, फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपको। तो अभी शाम हो गई है और अब मैं यहाँ पर पीहू को हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत खांसी आ रही है, तो मैं उसे यहाँ पे हल्दी वाला दूध पिला रही हूँ और कुछ कुछ स्टोरी सुना रही हूँ ऐसा वैसा करके कि तुमको सब लोग बहुत अच्छा बेबी कहेंगे, तुम पी लो, ऐसे करके मैं उसको मना रही हूँ और फिर मैं उसको हल्दी वाला दूध पिला रही हूँ। आ जाओ, आ जाइए प्लीज। आया, अभी देखना मम्मा ने आईज क्लोज किया हुआ है, और अभी देखना बेबी उतरेगा नीचे और जल्दी से आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। देखना वीडियो में भी कोई नहीं देखेगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। अभी देखना बस बहुत जल्दी से उतरने वाली है पीहू, डॉल है मेरी, गुड़िया है, आई 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 आई, ये मेरी शोंची रैया है, आ गई आ गई। कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, और देखना कोई देख भी नहीं पाएगा और पीहू मैजिक मिल्क भी पी लेगी। किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। तो शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ना बारिश है और ना ही धूप है, और टाइम अभी सिर्फ 5:30 बजे का ही है, तो मौसम ऐसा हो रहा है, इसी वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और पीहू का भी वायरस मुझे लग जाता है, वो स्कूल से लेकर के आती है सर्दी जुकाम बुखार, और फिर वो मुझे हो जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश कर देती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल अपने एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।